हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले EPFO PA रिजल्ट 2024 के बारे में। आपका जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा की वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पर आए हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका EPFO PA का जो एग्ज़ाम है वो फिलहाल कंडक्ट किया गया था 7 जुलाई को। रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी अगस्त में है, मिड ऑफ अगस्त में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है इसके हिसाब से लिखा हुआ है तकरीबन अगस्त, और नीचे स्कूल करते हुए जाएंगे तो वहाँ नीचे लिखा हुआ भी है मिड ऑफ अगस्त में पॉसिबिलिटी रिजल्ट के आने की। मिड ऑफ अगस्त तकरीबन 15 अगस्त के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जन तो मंथ के मिड में आते हैं रिजल्ट के अपडेट्स या फिर मंथ के लास्ट वीक में। ज़्यादातर जो अपडेट्स आजकल आ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट जो है उस पर मंथ के मिड में, मंथ के लास्ट वीक में आते हैं। बाकी उसको डाउनलोड कैसे करना होगा, उस टाइप आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और जनरली जो अपडेट्स हैं वो अगस्त के मिड में या फिर अगस्त के मिड में आने की पॉसिबिलिटी है। अब पुराना आर्टिकल जरूर चेक करिएगा 2022-23 के, गूगल पर जाएंगे सेशन डाउनलोड सर्च कर लीजिएगा, पुराने आर्टिकल आपको मिल जाएंगे इसके रिजल्ट के, EPFO PA के रिजल्ट 2022 या 2023 के आर्टिकल चेक कर लीजिएगा। एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पुराने सेशन में रिजल्ट कितने टाइम में रिलीज किया गया था। डाउनलोड के लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट की टैब या फिर लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में, जहाँ पर भी लिंक दिखे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन होता है, एप्लीकेशन आईडी एंटर करनी पड़े, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, तो सिंपली लॉगिन के बाद रिजल्ट शो हो जाएगा। थैंक यू।